नमस्कार, मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास देशबंधु गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय पानीपत। हम यहाँ शहर थाना पानीपत, और यहाँ पर जो है एक अच्छा सहयोग के नाम से एक अच्छा बन रहा है कि 10 रुपये में थाली। यहीं पर हम एक प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न संस्थाओं का यहाँ सहयोग लिया है कि उनको एक आह्वान दिया था, और काफ़ी बच्चे, महिलाएँ, लड़कियाँ और जो पुलिस महकमे से हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। तो हम जो है यहाँ हर्बल गार्डन बना रहे हैं, स्वैच्छिक हर्बल गार्डन। इसके लिए सहयोग का या पुलिस थाने का किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं है। ये हम शोर करते हैं कि ये जो सहयोग के माध्यम से हम यहाँ बना रहे हैं, ऐसा हर्बल गार्डन पूरे के पूरे हरियाणा में किसी भी पुलिस थाने के अंदर नहीं होगा। ये हम राजवीर सर को इंश्योर करते हैं, और प्रयास रहेंगे हम कि आगे तक का पूरा एरिया जो हमारे हमें दिखाई देगा कि इसको जो है एक फ्रूट वाटिका के रूप में हम इसको डेवलप करें, ताकि आने वाले जो आगंतुक है वो यहाँ से कुछ सीख ले सके। और ये पर्यावरण का मैसेज है, जो टेम्परेचर जो 47 और दिल्ली के अंदर तो 52.9 के अंदर जा चुका था, तो दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो एक प्रयास है, और इस प्रयास में जो है राजवीर जी हमारे साथ है। राजवीर प्रोफेसर साहब के जो काम जो कर रहे हैं उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, और मेरी इच्छा है प्रोफेसर साहब जो ने ऐसे जो काम है ये और आगे करते रहे। रमेश जी, ये बहुत ही बढ़िया पहल है सर, और आप तो जो है आगे आने वाला जो भविष्य है पर्यावरण को लेकर के, उसके लिए जो है लोग जागरूक करने के लिए एक ज़मीनी स्तर पे जो है बहुत ही बढ़िया प्रयास है आपका, और हम सभी साथ मिलकर के जो है आपके साथ हैं, ताकि पूरे पानीपत को जो है हरा भरा बनाया जा सके। सर जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रोफेसर साहब का, और हम लोग बच्चों के साथ संस्था में काम करते हैं, लेकिन अगर बच्चों को बचपन से ही हम पर्यावरण संरक्षण की संदेश दें तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए सीख होगी। और यह हर्बल गार्डन का कंसेप्ट जो आज यहाँ से शुरू हुआ है वो पूरे पानीपत नहीं पूरे देश में एक मुहिम बनकर आए, और हम कोशिश करेंगे सभी विद्यालयों में भी और सभी जगह जितने थाने सभी जगह इस तरह का गार्डन बने, और बहुत शुभकामनाएँ इस प्रयास के लिए। नमस्कार दोस्तों, जो आज हर्बल गार्डन की मुहिम यहाँ सिटी थाने में बनाई गई है उसके लिए प्रोफेसर सर को बहुत बहुत बधाई हो, और राजवीर सर को भी बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। कल्याण एजुकेशन हमेशा दलजीत सर के साथ खड़ी है, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते दलजीत सर इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है वो शायद पूरे हरियाणा में कहीं नहीं किया जा रहा, और बस इतना ही कहेंगे कि जो सर की मुहिम है हर घर में जितने बच्चे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सब अपने अपने नाम पे एक एक पौधा एक साल में ज़रूर लगाए, एक अपने नाम पर और एक अपने परिवार के नाम पर। नमस्कार, मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा, जो एक संकल्प भी सबको लेना चाहिए कि जिस तरह से जल है तो जीवन है, वृक्ष है तो श्वास है, बिना वृक्ष के हम कुछ भी नहीं है और ना हम कुछ कर सकते। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया ही था कि हम बिना पानी के रह लेंगे, बिना खाने के रह लेंगे, पर बिना सांसों के, बिना ऑक्सीजन के हम सिर्फ 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते। तो हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, ज़रूर और ज़रूर लगाने चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पहुँचे सभी साथियों का, सुधा मैम का, वकील साहब का, रमेश जी का, राजवीर जी के मार्गदर्शन से काम चल रहा है, आदरणीय SP साहब अजीत सिंह शेखावत जी ने ये काम हमें जिम्मा सौंपा है, और साथ में एक पुलिस लाइन में भी एक हम हर्बल गार्डन बनाएंगे। ये हमारा 11वां हर्बल गार्डन है, और हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल बनाएं और हर घर हर्बल घर घर तक पहुंचाएंगे। और सभी से मैं यही आह्वान करूंगा कि आओ मिलकर प्रयास करें, इस धरती को बचाएं, अपना सरोसो दें। पौधे ना जन्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना लिंग देखते हैं, ना भाषा देखते हैं, पौधे केवल इंसान देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही कहूँगा कि जय हिंद जय भारत, आओ पौधा लगाएं और अपना योगदान दें, नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। जय हिंद जय भारत। पानी लो।